150, 120, 200, 150, 120, 200, 150, 150, 200, 200, 200। दोस्तों, 150 में जींस ये बिकती कैसी है, इतनी बढ़िया जींस 150 में कैसे आ गई? तो दोस्तों, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन 5-10 मिनट के आज वीडियो में ये पूरा डिटेल हम जानेंगे कि आखिर 150 में जींस फुल मुंडे की मिलती कैसी है। वीडियो पे दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। और दीवान गारमेंट पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आने वाली है। और ये वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि मज़ा आएगा। और मज़ा क्या आएगा, देखिए दोस्तों, एक ट्रिक है, जींस बेचना भी आज एक ट्रिक है। अब पूरी कहानी आपको बताता हूँ कि जींस, हम किसी व्यापारी के पास जाते हैं, जींस में ये एक ही कपड़ा है, सेमी सिल्की कपड़ा, जो 70-80 रुपए मीटर का कपड़ा आता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर, यही जींस आपको 150 के अंदर दे सकता है। बाकी जींस में, डेनम जींस में ऐसा कोई कपड़ा नहीं है जो 150 रुपए मीटर, 110 रुपए मीटर, 120 रुपए मीटर के नीचे हैं। अभी आप समझिए, जब कपड़ा 110, 120, 150 मीटर का कपड़ा है तो 110, 120, 150 में आपको जींस देगा कैसा? अभी थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा इसके पीछे स्टोरी क्या है। आज वही स्टोरी समझेंगे इस वीडियो में। अगर किसी व्यापारी के पास हम जा रहे हैं और जींस हमको दिखा रहा है, ये जींस 150 रुपए में है, आप मार्केट घूमे हैं, आप भी जानेंगे, आप भी देखेंगे यार कि एक 150 में, 150 में इतनी अच्छी जींस दे रहा है, मतलब पक्का ये मार्जिन बहुत कम रख रहा होगा या मार्जिन नहीं रख रहा होगा। और व्यापारी भी बोल रहा है कि इसको मैं नुकसान में बेच रहा हूं। तो भाइयों, ये बात को आप बिल्कुल समझिएगा कि कोई भी व्यापारी अपना मार्जिन नहीं छोड़ता है, वो 10 रुपए की हो या 100 रुपए की हो, व्यापारी अपना मार्जिन कभी नहीं छोड़ता है, ये सोच के रखिए। तो फिर जींस इतनी सस्ता देता कैसे है? तो दोस्तों, उसके पीछे ये स्टोरी है, ये उसके पीछे ये कहानी है। और कहानी क्या है, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार आपको पीस दिखाया, ये 150 का है, दुकानदार आपको दिखाया 150 का है, ये 120 का है, ये 200 का है, दिखा दिया आपने, पसंद कर लिया, हाँ इसमें मेरे को चाहिए, साइड में रखते गया, लास्ट में ये 300 का है, उसके बाद ये 350 का है। अब पूरी कहानी समझिए, जो 150 का जींस था वही चीज ये आपको 450 का भी है। अभी आपने पसंद किया वो 150 वाले, तो उसमें उसने बोला, पहले आपको दिखाता गया कि ये सब आप पसंद कीजिए, माल आपको एक पार्सल लेना पड़ेगा। अभी आप साइड में करते गए, पीस आपको पसंद आता गया,
अभी लास्ट में आया कि भाई पीस का क्वांटिटी कितना लेना है। 150 वाली जींस में आपने 30 पीस बोला, 20 पीस बोला, 10 पीस बोला, जो भी आपने बोला आपको सब दिखाता गया। 10-10 पीस, 20-20 पीस सब बंडल आपने लिए, आपका हो गया 120 पीस का पार्सल हो गया। अभी तो 150 वाली जींस था, उसमें व्यापारी बता रहा है कि इसमें मात्र 5 पीस या 10 पीस पड़ा है। अभी जो 150-150 की जींसें थी उसमें बंदा बोल रहा है कि इसमें 5-5, 6-6, 10-10 पीस पड़ा है, और जो 450 की 350 की जींसें थी उसमें पूरा माल पड़ा हुआ है। आप आए हैं, आपको चाय पिलाया है, ठंडा पिलाया, प्रेम से बिठाया है, आवा भगत किया है, तो जाहिर सी बात है आप अगर 10 पीस उसमें का लेंगे तो आपको वो 450 वाला भी 20 पीस बेच ही देगा। अभी 150 का और 450 का, और जींस टोटल थी 300-350 की, तो उसने अपना पूरा रेंज बिठा लिया है। आपको वो सस्ती वाली भी जींस और महंगी वाली भी जींस, दोनों जींस आपको बेचा है, और जो उसका मार्जिन था पीस के पीछे 20-30 रुपया मार्जिन जो रखा था उसने वो आपसे पूरा ले लिया है। कभी कभी होता है कि आपके पहुंचते ही व्यापारी का जो 150 वाली जींस थी, 200 वाली जींस थी, उसका स्टॉक ही ख़त्म हो गया है। अब वो 2-4-10 दिन बाद आएगी, और जो उसके पास रेंज पड़ा है 250-300-450 का वो है। आप गए हैं तो हो सकता है आपको लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी एक ट्रिक है जो ब्लॉग्स में ब्लॉगर्स दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब वैसा है, लेकिन जो हकीकत मैंने देखी है वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो कभी भी हमारे होलसेलर भाई इस झांसे में ना पड़े, क्योंकि देखिए जो कपड़ा है, कपड़ा भी आप डेनम का ख़रीदने जाएंगे तो 150-250 के कपड़े ही आते हैं डेनम के। उसके बाद मेकिंग कॉस्ट, वॉशिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट सब मिला के पास बिल नहीं है। एक अच्छी जींस खरीदने जा रहे हैं तो पास बिल नहीं कि 150 में जींस मिल जाए। सस्ती जींस दोस्तों आपको पहचान बताता हूँ, सस्ती जींस क्या है जो 150 के अंदर मिलती है, और महंगी जींस भी समझ लीजिए जो 150 में मिल ही नहीं सकती, 200 में मिल ही नहीं सकती। तो दोस्तों ये पहचान देख लीजिए। सबसे बड़ी पहचान है इसका बेल्ट, ये सिंगल बेल्ट आता है, इसको चालू भी माल बोलते हैं। इसमें का जो बेल्ट होता है वो एक ही बेल्ट होता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घूमता है, ये देख लीजिए सिंगल बेल्ट। और यही आपको मुंडे का पीस दिखा रहा हूँ, यह है देखिए डबल बेल्ट दिख रहा होगा, एक कपड़ा ये है, एक कपड़ा ये है, डबल कपड़ा है। और जो आपने देखा था इसमें देखिए एक ही कपड़ा है, इसमें कोई डबल कपड़ा नहीं, एक ही कपड़ा है। सबसे बड़ी पहचान बेल्ट हो गया। दूसरा, सस्ती वाली जींस जो चालू वाली जींस होती हैं उनमें एक सिलाई आती है, देख सकते हैं इधर भी आप देखेंगे तो ये सिंगल मशीन का मारा हुआ है, मशीन का मारा हुआ एक ही मशीन का जींस बनाया हुआ है। ये देखिए इधर भी सिंगल सिलाई और इधर भी फिनिशिंग नहीं है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसमें भी देखिए फिनिशिंग नहीं है, चालू काम है,
इसको चालू जिंसी बोलते हैं। हाला देखेंगे, ज़्यादातर हालों में अंदर की पट्टियां नहीं होती है। जाति देखेंगे तो बिल्कुल छोटा जाति होता है, देखिए बैठने उठने पर आराम से निकल जाता है। ये है सिंगल बेल्ट चालू जींस जो 150 के अंदर आता है। अंदर का भाग देखेंगे तो ये जो जॉइंट होते हैं ये पूरा वॉल लॉक होता है, सब दिखता रहता है। और यही अच्छी जींसों में देखेंगे, ये देखिए डबल थ्रेड होता है, इधर फिनिशिंग रहती है बराबर, और इधर भी मशीन से बनता है, ये मुंडा मशीन जो होती है मुंडे मशीन से बनता है, इसका फिनिशिंग अलग होता है। हाले का देखेंगे तो हाले के अंदर ये पट्टियाँ लगी होती है, पट्टियाँ दिख रहा होगा आपको, ये पट्टियाँ लगी होती है। जाति भी इनमें का बड़ा होता है। और अंदर का जो भाग आपको दिखाया था वो भी देखिए, ये वॉल लॉक नहीं होता, ये पूरी तरह पक्का फोल्ड होता है, मुंडा हुआ होता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जींस का ये जो ट्रिक है 120-100 रुपए का होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।